वन्य जीवों का संरक्षण। बच्चों, वन्य जीवों को बचाने के लिए सरकार द्वारा कानून बनाए गए हैं। जानवरों की खाल, दांत, हड्डी, सींग के अवैध व्यापार पर रोक लगा दी गई है। पशु पक्षियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभयारण्यों की स्थापना की गई है। इन स्थानों में वन्य जीवों का शिकार करना मना होता है। यहाँ पशु पक्षी स्वतंत्र रूप से रहते हैं। बच्चों, अब हम बात करेंगे भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य एवं उद्यानों के बारे में। पहला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, ये भी उत्तर प्रदेश में है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान एवं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी उत्तराखंड में हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एवं कान्हा किसली अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। बच्चों, अब हम बात करेंगे रेड डाटा बुक के बारे में। रेड डाटा बुक वो किताब है जिसमें सभी संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। बच्चों, संकटग्रस्त प्रजातियां क्या होती हैं? ये आप पिछले वीडियो में जान चुके हैं। ऐसी प्रजातियां जो खत्म होने के कगार पर होती हैं, उन्हें संकटग्रस्त प्रजातियां कहते हैं। तो उन्हीं का रिकॉर्ड रेड डाटा बुक में रखा जाता है। बच्चों, आपने गौरैया पक्षी के बारे में तो सुना ही होगा और उसे पहचानते भी होंगे। ये हमारे घरों के आसपास प्रायः कोलाहल करती हुई मिल जाती हैं। पर क्या आपने कभी गौर किया है कि इनकी संख्या पहले की भांति उतनी नहीं है? ऐसा क्यों? बच्चों, क्योंकि गौरैया प्रजाति संकटग्रस्त प्रजाति है। इनकी संख्या कम होती चली जा रही है और आने वाले समय में ये अपना अस्तित्व खो सकती हैं। इसलिए इनको बचाने के लिए अब हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। बच्चों, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, ये तो आप जानते ही हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इनका अस्तित्व खतरे में है? इसलिए इनकी सुरक्षा के लिए बाघ परियोजना अर्थात प्रोजेक्ट टाइगर लागू की गई है। जानवरों के प्रति संवेदनशीलता। बच्चों, स्क्रीन पर इन जानवरों को देखिए और जानिए कि ये क्या कह रहे हैं। सांप कहता है, अब ये पिटारे ही मेरा घर बन गया है। मैं तो जंगल के जानवरों से मिलना ही भूल गया हूँ। उधर भालू कहता है, ये मत सोचो कि मैं सर्कस में नाचकर, कूदकर और कई तरह के करतब दिखाकर खुश हूँ। अगर मैं ये सब ना करूँ तो भूखा रहूँ। बंदर का कहना है, नाचते नाचते मेरी हालत खराब हो जाती है। कभी कभी तो खाली पेट नाचना पड़ता है। और पिंजड़े में कैद तोता का कहना है, पिंजरे में बंद रहकर मैं खुली हवा में सांस लेना भूल गया हूँ। इस पिंजरे में रहकर मेरे पंख भी किसी काम के नहीं। बच्चों, ये जानवर उदास क्यों हैं? सभी जानवरों की बातों को पढ़कर आपको क्या सीख मिल रही है? प्रायः आपने मदारी, सपेरे आदि के बारे में सुना होगा। मदारी बंदर, भालू आदि का खेल दिखाता है।
इसी तरह सपेरा तरह तरह के सांप दिखाता है तथा अपनी बीन की धुन पर उन्हें नचाता है। ये लोग अपनी रोजी रोटी के लिए इन जानवरों पर निर्भर होते हैं। ये लोगों का मनोरंजन करते हैं और बदले में लोग इन्हें अनाज, पैसे आदि देकर जीवन यापन अर्थात गुजर बसर में उनकी मदद करते हैं। तो बच्चों, इस अध्याय के समाप्त होने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हम जानवरों पर किसी न किसी प्रकार से निर्भर होते हैं। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न जानवरों को पालते हैं। जानवरों को पालने के साथ साथ हमें उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनके भोजन चिकित्सा की व्यवस्था करनी चाहिए। पक्षियों के लिए अपने घर के बाहर या छत पर उनके दाना पानी की व्यवस्था करनी चाहिए और सड़कों पर घूमने वाले अन्य जानवरों को भी नहीं छेड़ना चाहिए। यदि संभव हो तो उन्हें भी खाना देना चाहिए।